मैंने सुना था कि आपका बाबा और आप क्या हैसियत रखते हैं, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला आप ही खुदा के वली हैं, आप ही हकीकी जानचीने नबी हैं। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सुलह की मिसाल ऐसी है जैसे रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हदीबा, जब ये मीसाक बना था तो कुछ लोगों ने एतराज किया था, मुझे ये लग रहा है कि आप नबी भी हैं या नहीं हैं। नबी पे ये तुहमत लगाई गई कि आप हैं भी या नहीं हैं। वही सुलह जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की है, वही सुलह सुलह हदीबिया पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया है वो ही फरमाया है कि हसन मुझसे है, मैं हसन से हूँ, ये जमाना ने जन्नत के सरदार हैं। अगर तुम खुदा की रजा चाहते हो तो हसन से प्यार करो, अगर मेरी रजा चाहते हो तो हसन से प्यार करो। हसन अलैहिस्सलाम इसका एक लकब करीम है, करीम अलबैद। वैसे तो सब करीम है, आयमा सब करीम है, लेकिन करीम अहल बैत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जात है। इमाम का दस्तखान बहुत मशहूर है। इमाम अलैहिस्सलाम ये नहीं देखते थे कि टाइम है खाने का या नहीं है, दरवाजे से कोई आया बस उसके लिए दस्तखान बिछा दिया। एक मतलब एक मुसाफिर आया, इमाम अली अलैहिस्सलाम बाग में मजदूरी कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे वक्त दें, मैं आपके साथ खाना खा रहा हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने जल्दी जल्दी कर दिया और कहा कि ये दरख्त पे जो बंधा हुआ खाना वो नीचे ले आओ। जब वो ले आया वो देखते हैं कि ये खाना है ये या के जो पानी से भी नहीं टूटता, जौ की रोटी है जो पानी से नहीं टूटती। इमाम ने कहा मेरा तो ये खाना है, अगर तुम खाना खाना चाहते हो तो एक अमीर रहता है, जाके उसका दस्तरखान आप ज्वाइन करो। जैसे ये आया, आने के बाद कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं खाना चाहता हूँ। इमाम ने कहा जी दस्तरखान मौजूद है, आप आइए। खाना जब लग गया तो क्या करता है, एक निवाला खाता है, एक निवाला इधर रख देता है। इमाम की नजर पड़ी गई, देखिए क्या कर रहे हैं आप। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जवाब दिया मैंने एक मजदूर देखा है जिसको खाने के लिए कुछ नहीं है, सूखी जौ की रोटी खा रहा था। इमाम की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे आप जिस सखी के दस्तरखान पे बैठे हैं वही सखी का दस्तरखान है, हमारी गिजा अपने लिए यही है, हम दूसरों को खिला रहे हैं। सगात बड़ी हसन हसीन तो सारे हैं इस आंगन में, हसीन तो सारे हैं, लेकिन ये ऐसा हसीन है जो हुस्न की एक मिसाल बन गया। ये ऐसा प्यारा बच्चा दुनिया में मौलूद हुआ, आते हुए लोहे कलम की मुताला करने को मजबूर हो गया। इमाम अलैहिस्सलाम रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में 2 या 3 साल का सन है, इमाम को महवे मजमुआ भी लगा हुआ है, महवे गौर व फिक्र देखा
बेटा हसन क्या कर रहे हो, बेटा हसन क्या कर रहे हो? नाना मैं लोहे महफूज का मुताला कर रहा हूँ, मैं लोहे महफूज का मुताला कर रहा हूँ। और रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक खुतबा दे रहे थे नमाज के दौरान, कभी हसन को देख रहे थे, कभी खुतबा दे रहे थे, कभी हसन को देख रहे थे, कभी खुतबा दे रहे थे। वो कहने वाला कहने लगा, या तो खुतबा दें, या तो खुतबा दें, या आप इस बच्चे को देखें। कहने लगा, मैं इबादत खुदा में मशगूल हूँ, इधर भी इधर भी, मैं इबादत खुदा में मशगूल हूँ इधर भी और इधर भी। खुदावंद कुदूस की बारगाह में, क्योंकि आप रोजे से हैं, ये बारगाह में दुआ है कि खुदा आपकी इस सही को कबूल फरमाए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान के सदके में आपको इतना खुदा दे जो किसी का मोहताज न बना। खुदावंदा बेहक़ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान के सदके में हर मोमिनीन और मोमिनात के रिस्क में परावानी नायज करो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब किसी के घर में, जब किसी शहनशाह के घर में किसी मौलूद की विलादत होती है तो कतारें लग जाती हैं मांगने वालों की। खुदावंदा रिसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंगन में पहली खुशी है, और हम मांगते हैं, हम ऐसे मांगते हैं कि हमें मांगने का तरीका नहीं है, बस ये कि अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, अपनी नेमतें इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सदके हमें हासिल हो। खुदावंदा खुदावंदा बीमारों को शफा याब इनायत फरमाओ, हाजतमंदों की हाजत रवाई फरमाओ। खुदावंदा हमारे बच्चे इम्तहान की तैयारी में मसरूफ़ हैं, इम्तहान दे रहे हैं, उनको कामयाब व कामरान फरमाओ। खुदावंदा बेगुनाह असीरों को रिहाई नता फरमाओ। खुदावंदा बेहक मोहम्मद वाल मोहम्मद, बेहक अहमद अलीन अलैहिस्सलाम, खुदावंदा खुदावंदा आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाओ। कल नाज़रीन यूसुफ़ ज़ाराम से राज़ी व खुशनूद फरमाओ। हुज्जत दौरा के आवान व अंसार में शामिल फरमाओ। खुदावंदा ये अस्करिया इल्म व अमल के दोस्तों की ये सही कबूल फरमा, उनको बेहतरीन अजर नायत फरमा, उनके घरों में रहमतों बरकतों नेमतों का नुज़ूल फरमा। खुदावंदा बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे मरहूमीन के दर्जात में बुलंदी अता फरमा, हमारे खुदावंदा बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद आज असगर भाई की तरफ से इस इफ्तार का बंदोबस्त किया है, खुदावंदा इनके रिज़्क तौफीकात में इजाफा फरमाओ। खुदावंदा इनके मरहूमीन की बख्शिश फरमा, दर्जात में बुलंदी अता फरमा। खुदावंदा इनके हवाज शरिया को पूरा फरमाओ। बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद, बेहक आयमा ताहरीन अलैहिस्सलाम, दुश्मनान दीन दुश्मनान इस्लाम को नीस्त नाबूद फरमा, खुसूसन अमेरिका इसराइल आले यहूद आले सऊद उनके हवारियों को नीस्त नाबूद फरमा। खुदावंदा बेहक मोहम्मद वाल मोहम्मद, जो मांगा है वो भी अता कर दे, जो मांगने से रह गए हैं, जो जुबान पे आ गया है वो तो मांग लिया, जो जुबान पे नहीं आ सकता वही कबूल फरमा, वही अता कर दे। एक मरतबा सूरह फातिहा, तीन मरतबा सूरह इखलास पढ़ के असगर भाई के जमी मरहूमी अपने मरहूमी शुदा मिलत जाफर या ख्वाहिश इमाम ज़माना जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला ना हो, फातिहा।